गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। अभी मैं हूं हटिया में। और अगर बात करें बीमारियों की, तो बहुत सारी बीमारियां जनरली होती हैं लोगों को, लेकिन जहां भी हम पहुंचे हैं वो है फर्स्ट फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पर हम डॉक्टर आशीष से बात करेंगे और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो ये फिजियोथेरेपी की जो टेक्निक है या जिस तरह से ये पेशेंट को ठीक करते हैं, इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके से, सारी चीज़ों पर हम बारीकी से बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर आशीष के पास। शुक्रिया सर, बजट स्टोरी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे सर, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ सर, कैसे, तो कैसे ये प्लानिंग है कि इस फील्ड में और बेहतर कर सकते हैं? बेसिकली अभी डिमांडिंग डेट्स में अगर देखा जाए तो कमिंग डेट्स में मेडिकल सर्विसेज का ऐसा डिमांड हो गया है हमारे कंट्री में कि मेडिकल नीड्स बढ़ती जा रही है कोरोना काल के बाद, और हम देखते हैं ऐसी चीजें बहुत सामने आई है। यस यस, बेसिकली कोरोना काल जैसे एक पैंडेमिक अटैक हुआ हम लोगों के ऊपर, पैंडेमिक से बहुत हम लोग झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, बट वी आर फाइटिंग आवर बेस्ट और पैंडेमिक से हम लोग जीतने भी वाले हैं। लेकिन यही है कि मेडिकल की जो सर्विसेज है दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर डे बाय डे। द फर्स्ट रीजन इज पॉल्यूशन, और जो पॉल्यूशन के बाद आपके पॉपुलेशन कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो पॉपुलेशन भी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से भी अभी बहुत ज्यादा नीड है मेडिकल सर्विसेज का। तो बेसिकली एक जब फ्यूचर सेट करना होता है किसी को भी, अपना फ्यूचर देखते हैं जब हम लोग बचपन में कर रहते हैं कि हाँ वी वांट टू ग्रो एज अ डॉक्टर, वी वांट टू सर्व एज अ इंजीनियर, तो एक मेडिकल फील्ड में आने के बाद लोगों को कंसेप्चुअल ऐसा नहीं पता होता है कि और क्या क्या मेडिकल फील्ड में डिमांड्स होती है और क्या क्या सर्विसेज होती है। तो बेसिकली व्हेन आई वाज trying our best for our NEET examination to clarify those MBBS exams. So during that day, I come to know about the course of physiotherapy. एक आंटी है, that is my aunt, और she is also a physiotherapist and she is serving in Mangalore. उनसे आपको प्रेरणा मिली कि हाँ इस फील्ड में? Okay, basically उन्होंने मुझे बताया इस फील्ड के बारे में, that she is serving as a physiotherapist. तो there I come to know about this field. तो वहाँ से एक ऐसा उम्मीद जैसा लगा कि ओके, कि आप आज अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, एंड सडन वी आर हैविंग अ स्ट्रोक अटैक, पैरालिसिस अटैक हो जाता है, और बिल्कुल मतलब वी कांट से कि हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि आज मैं खुद से हाथ से खाना खा रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, और कल के मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं अपना हाथ भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ऐसा बिलीव नहीं कर पाते पेशेंट्स। तो जब मैं ऐसा सुना कि हाँ फिजियोथेरेपी से ये चीज़ ठीक हो सकती है, देन आई वाज शॉक्ड कि मतलब दिस इज अ मिरेकल। और कुछ मोडलिटीज होती हैं जिसका माइनर सा मतलब साइड इफेक्ट होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिहैबिलिटेशन पार्ट दैट इज वेल एंड गुड, जिसमें पेशेंट खुद से फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और वो अच्छा करता है फिर। सर एक सवाल जहन में हमेशा लोगों के रहता है, जबकि जितने लोग मेडिसिन खाते हैं यहाँ पे जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं ठीक करता हूँ उस तरीके से एक्सरसाइज करा करके उनको सर्जरी करा के, तो ऐसे कोई पेशेंट्स का अनुभव जो आपके पास बहुत क्रिटिकल हो या बहुत परेशान हो, जो आपके पास आए हों कि मुझे आप जल्द से जल्द ठीक करते, ऐसा कुछ अनुभव सर आपके पास? या बेसिकली विदाउट मतलब एनी एक्सपीरियंस वी कांट बी ऑन दिस स्टेज। एक्सपीरियंस होता है वेन एवर वी आर पासिंग आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, जैसे जैसे जॉब करते हैं वी आर हैविंग टू द एक्सपोजर ऑफ द एक्सपीरियंस अराउंड आवर्स, और बहुत तरीके के पेशेंट होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रोक कंडीशन अगर हम बोलना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स और 3 ईयर्स फॉर माई सेल्फ। तो मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका बिल्कुल जीरो ग्रेड बोले तो मतलब पेशेंट में बिल्कुल जान नहीं रहती। Whenever you will talk कि आप हाथ उठाइए तो they can't shiver their hand also, मतलब वो मतलब flicker contraction भी ऐसे कांप भी नहीं सकते उनका। बट जब rehabilitation start होता है, patient खुद से खड़ा होता है, day first all the family members are shocked, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा क्या हो गया, बहुत patient खुद के पैर पे खड़ा है। तो ऐसे बहुत से cases से हम लोगों ने touch किया है। And whenever I will talk about stroke, तो मेरा basically जो PG है that is also from my neuro, तो MPT is from neuro, तो basically मैंने तो बहुत ऐसे cases देखा पैरालिसिस का, और इसी से रिलेटेड कुछ पीडियाट्रिक केसेस भी होते हैं बच्चों में, होता है जन्मजात प्रॉब्लम हो जाता है लाइक योर सेरिब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, तो ये सब भी न्यूरो के कैटेगरी में आता है। और इसमें भी मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो बिल्कुल मतलब डिपेंडेंट रहते हैं अपने फैमिली मेंबर के ऊपर और किन्हीं मेडिकल स्टाफ के ऊपर, नर्सिंग केयर के ऊपर, दे नीड ऑलवेज अ केयर मेंबर कि उनका ध्यान रखा जाए, कब वो खाएंगे, कब वो पिएंगे, कब वो टॉयलेट करेंगे। बट जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट में ग्रोथ होता है, रिहैबिलिटेशन अच्छे से होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट से वो करने लगते हैं। जी जी, वो खुद से धीरे धीरे अपने आप को संभालते हैं और चीजों को समझने लगते हैं, तो सोशली एक्टिव हो जाते हैं वो फिर। बिल्कुल।
सर बेसिकली ये बेसिकली सर बीमारियाँ कैसे हो जाती है लोगों को, या फिर क्या कुछ हो सकता है, आपको अपने अनुभव से कुछ बताएं सर कि एग्जैक्टली चलो सर आपने बताया सर कि लोग नॉर्मल ठीक रहते हैं लेकिन अचानक से उन्हें ये सारी हो जाती है, फिर ये कैसे होता है सर? देखिए बेसिकली अगर स्ट्रोक की बात करेंगे तो अभी ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रेशियो अच्छा नहीं है हमारे कंट्री में, मतलब आउट ऑफ ऐसे कुछ अगर रेशियो निकालेंगे तो बहुत से मैक्सिमम आपको परसेंटेज में मानसिक तनाव की बात कर सकते हैं सर इसमें। मानसिक तनाव वो ऐसा दैट कैन बी अ कोरिलेशन ऑफ द स्ट्रोक, बट इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर इज द मेजर रोल। वेन एवर वी आर हैविंग द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कोलेस्ट्रॉल स्पेशली द लो कोलेस्ट्रॉल LDL बोलते हैं, अगर उसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो उसके वजह से हमारा जो बीपी रहता है दैट फ्लक्चुएट्स, और बीपी का इंक्रीज होने की वजह से बीपी जब इंक्रीज होता है मतलब पेशेंट बीपी का ड्रग ले रहा है तो बेसिकली हमारी जो खून की नली होती है तो खून की नली जब तक हमारे मस्तिष्क को खून का सप्लाई दे रहा है, मतलब खून अच्छे से जा रहा है, सर्कुलेशन मेंटेन्ड है, एट दैट टाइम वी आर फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो जाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन अगर उस नली में कोई चेंज आ रहा है जैसे वो क्रस्ट हो जाता है, हेमरेजिक बोलते हैं उसको, इस्चेमिक बोलते हैं, जिसमें वो कंप्रेशन हो जाता है उसके वजह से खून सही से नहीं पहुंच पाता है, ये बेसिकली एक तरह से अगर बोला जाए तो अगर बहता हुआ पानी में आप पत्थर डाल दो कचरा डाल दो और पानी आगे नहीं जा पा रहा है तो वो कचरा, तो बिल्कुल जो खून की नली रहती है उसमें थ्रोम्बस जैसा एम्बोलाई बोलते हैं उसको, खून की थक्का जम जाता है ना, और वो जो जमता है वो दैट इज बिकॉज द ल्यूमेन, जो आर्टरी के अंदर का वाल रहता है, जो खून की नली होती है उसकी वाल होती है, तो उसका जो वाल रहता है वो डैमेज हो जाता है, और बॉडी का तो प्रॉपर्टी अगर कहीं भी डैमेज होता है दे स्टार्ट हीलिंग, और हीलिंग करते करते वो वहाँ पे एक तरह से रास्ता को ब्लॉक करने का चांसेस डेवलप करता है। उसी में हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो मैंने बोल रहा वो अगर इंक्रीज रहता है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस बेसिक फंडा यही है कि खून का जो सप्लाई है वो ब्रेन तक जाना चाहिए प्रॉपर, नहीं जा पाता है किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो, दे कैन हैव एन स्ट्रोक अटैक, पेशेंट कैन हैव एन स्ट्रोक अटैक। सर एक और सवाल कि अभी के समय में कोरोना काल के बाद ये ऐसे करें तो दिनचर्या लोगों की बहुत बदल चुकी है, लोग इतने स्ट्रेस हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर के, इतने परेशान हो गए हैं, घर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं सर, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर कि हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए? देखिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज अ डॉक्टर कैसे आप? देखिए बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक, तो पैंडेमिक में ऑब्वियसली लोगों के पास अलग अलग तरह की तकलीफ आई। स्टार्टिंग में सब खुश थे कि हाँ रेस्ट नहीं मिल रहा था, वी आर गेटिंग अ रेस्ट, वी आर हैविंग अ हॉलीडे, है ना, रैंडम हॉलीडे, नो वन वाज वरिंग अबाउट एनी जॉब और एनी सैलरी पर्पस। बट जब ये थोड़ा प्रोलोंगेशन में देखने लगे लोगों लंबा चलता रहा, लंबा चलता गया ये सफर, तो लोगों में अंदर से फिर एक हलचल मची कि अब पैसे की दिक्कत होगी, जॉब की दिक्कत होगी, देयर विल बी क्राइसिस फॉर एवरीथिंग, और फूड का, फूडिंग, लॉजिंग सब चीज़ में प्रॉब्लम आने लगे, जो माइग्रेंट्स वर्कर थे उनको भी तकलीफ आने लग गई। तो हाँ, एक जो ये मानसिक तनाव आता है, देयर शुड बी अ पैकेज ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम योर साइड, अंदर से आपका सोल में ये अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ऐसे कंडीशन से जूझने की ताकत रखनी पड़ती है। अगर ये कंडीशन आ जाया है तो इट माइट बी अभी सही हो रहा है कंडीशन, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और कंडीशन हो, और आफ्टर 5 ईयर्स हो, कुछ ऐसा हो सकता है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स, है ना, हम लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है सिर्फ पास और फर्स्ट होने से मतलब नहीं होता, वेन एवर यू आर फेल तो ट्राई टू हैंडल दैट फेलियर कंडीशन, वी शुड फाइट दैट फेलियर कंडीशन, अगर उस फेल वाले कंडीशन से आपने जूझ लिया ना तभी आपको तरक्की करने का आगे का रास्ता दिखेगा, उसमें ही आप डूब गए तो फिर आगे बढ़ने का तो रास्ता आपने खुद ब्लॉक कर दिया है। सर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाते होंगे फिजियोथेरेपी के ऊपर में, तो अभी अपकमिंग अपना कैंप कब से है सर? बिल्कुल, आप आज बिल्कुल 6 फेब से हम बात कर रहे हैं और 7 फेब दैट इज टुमारो, कल बात करें, बिल्कुल कल हमारे क्लिनिक पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस क्लिनिक, सक्सेसफुल एनिवर्सरी, और 1 साल हमें हो गया है रांची में यहाँ पे सर्व करते हुए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसके पहले मैं पारस पटना में था HMRI, और एंड देन आफ्टर आई गॉट द ट्रांसफर इन पारस HEC, बट अभी मैं पारस से नहीं हूँ, अभी मैं अपना खुद का ही सेंटर यहाँ पे रन कर रहा हूँ, सिंगमोर में है फर्स्ट फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर, और यहीं पे बेसिकली अभी 1 साल हो गया है और अच्छा चल रहा है, और जो भी हमसे पेशेंट जुड़ रहे हैं दे आर गेटिंग अ गुड फीडबैक, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुट आवर एफर्ट बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, और कल इसी के रिगार्डिंग एक 9 to 4 फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है, और जो भी आना चाहते हैं दे कैन मस्ट विजिट आवर क्लिनिक। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये
आशीष सर थे जिन्होंने बारीकी से सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बात ये थी कि जीवन जिस तरह से चलता है वो अनप्रडिक्टेबल है। हो सकता है कि अभी आप कोरोना से बाहर आ चुके हैं, फिर उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल को आप कैसे रख सकते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास जो आते हैं वो एक बेहतर ट्रीटमेंट लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो इन्होंने हर चीज़ों को उस तरीके से रखा है कि जो एक डॉक्टर के अलावा एक जो ह्यूमन बींग का एक बिहेवियर होता है उनको उन्होंने अपने पास अच्छे तरीके से रखा है। कल यानी कि 7 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर सारा इन्होंने रखा है, और एक जो पहली वर्षगांठ इनकी पूरी हो रही है उस पर वो लोगों को फ्री चिकित्सा कैंप लगा रहे हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ हमसे बात करने के लिए। सर का पुनः बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई द बजट स्टूडियो की टीम इन्हें देती है। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।